प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश भर में निजी स्कूल संचालकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें पत्रकारों से चर्चा में निजी स्कूल संचालन के वर्तमान दौर में आ रही समस्याओं को और सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर चर्चा की गई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर लवेश राठौर ने बताया कि शासन के तय नियमों के अनुसार स्कूलों का संचालन कर बेहतर शिक्षा देकर प्रदेश ही नहीं देश के भविष्य को तैयार करने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके आए दिन निजी स्कूलों पर मनमाने नियम थोपे जा रहे हैं। हमारी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों को प्रतिवर्ष मान्यता लेना पड़ता है, अतः कक्षा पहली से बारहवीं तक स्थायी मान्यता प्रदान करने का कष्ट करें तथा कक्षा पहली से आठवीं की मान्यता में FDR की अनिवार्यता समाप्त की जाए, क्योंकि इसे पूर्व में भी समाप्त कर दी गई थी। इसके अलावा निजी स्कूल के बच्चों को भी ई बाइक दी जाए एवं नीट में आरक्षण दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मांग ये भी है कि RTE का जो भुगतान होता है, जो निःशुल्क बच्चे होते हैं, इनका भुगतान समय पर हमको नहीं होता। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में इसकी राशि अलग अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी राशि बहुत कम रखी गई है। तो निजी स्कूल ये भी मांग कर रहे हैं कि जो RTE की भुगतान की राशि है उसे बढ़ाया जाए, ताकि जो निजी स्कूल हैं उन पर आर्थिक बोझ न पड़े। और एक मुख्य मांग तो हमारी यह भी है कि अभी जैसे देखा है कि शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं पास बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ई स्कूटी दी गई, जो प्रथम विद्यालय में प्रथम बच्चा है उसको ई स्कूटी दी गई। साथ ही साथ मेडिकल परीक्षा पास करने पर 5% का आरक्षण का लाभ शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जा रहा है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जब निजी स्कूल भी मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में अपना योगदान बराबरी से दे रहे हैं, तो फिर निजी स्कूल के बच्चों के साथ में ये भेदभाव क्यों रखा जा रहा है। हम इस सरकार से ये मांग करते हैं कि निजी स्कूल भी उसी प्रकार से अधिकारी हैं ई स्कूटी के और आरक्षण के, जो आपने शासकीय स्कूल के बच्चों को दिया गया। और एक साधारण सा प्रश्न हम सरकार से पूछते हैं कि आपका इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों आपने सरकारी स्कूल के बच्चों को 5% अलग आरक्षण दिया है, बस हमें इसका कारण भी बता दे, तो हम जानना चाहते हैं सरकार से कि निर्णय क्यों लिया गया। बैठक हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के जो प्रदेश नेतृत्व है उनके आह्वान पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है, और हर जिले में इस प्रेस वार्ता के आयोजन के माध्यम से हम हमारी कुछ मांगों को लेकर के सरकार के सम्मुख रखना चाह रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की मान्यताओं को लेकर के, और जो पूर्ववत प्रक्रिया थी उसमें प्राइवेट स्कूल पर आर्थिक बोझ लादा गया है। 40,000 की FDR का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ प्रतिवर्ष जो नवीन या नवीनीकरण मान्यता है उसको लेकर के भी 4,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दर रखी गई है। हमारी मांग ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे स्कूल चल रहे हैं प्राथमिक लेवल पे, माध्यमिक स्तर के लेवल के, तो उन स्कूलों के लिए राशि बहुत अधिक होती है। और चूंकि अभी तक ये शिक्षा के अधिकार के तहत तो हम निशुल्क बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, 25% बच्चे निशुल्क योजना में पढ़ा रहे हैं, ऐसे में आर्थिक बोझ लादा गया है प्राइवेट स्कूलों पर। तो हम यही मांग करते हैं कि इसे हटा करके पूर्ववत प्रक्रिया जो थी आपकी मान्यता की सरकार की वही रखी जाए। इसके बाद ज्यादा समस्या निराकरण जैसा हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रदेश नेतृत्व हमें जिस प्रकार से निर्देशित करेगा, हम सभी प्रदेश भर के निजी स्कूल उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे और उसके हिसाब से हम कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।